मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 आजादी इस त्याग की क्या करेगी क्या करेगी क्या करेगी चले चले अरे कम से कम इसको हॉस्पिटल ले जाओ सुनो हॉस्पिटल ले जाओ यही गुंडागर्दी है पुलिस की यहाँ पे अब इस दुर्घटना को हटाके केवल इसके साथ दुर्घटना की पाली है। नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर जींद से सामने आ रही है और जींद की खबर हम आपको अम्बाला में इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि एक घटना ऐसी हुई है जिसने हरियाणा पुलिस और हरियाणा पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आपको मामले की थोड़ी जानकारी मैं दे दूँ कि जींद में एक महिला है जिसने अपने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ कुछ लोगों ने रेप किया और उसके बाद पुलिस जो है वो आरोपियों को बचाने में जुट गई और एक सीधे तौर पर जो DSP हैं जींद पुलिस के उन पर महिला ने आरोप लगाए हैं आरोपियों से मिली भगत के। और जब ये गैंग रेप पीड़िता इंसाफ के लिए पुलिस के चक्कर काट काट कर थक गई थी तो इसने फैसला लिया था जींद के SP ऑफिस कार्यालय के बाहर धरना देने का, लेकिन आरोपियों को ये भी गवारा ना हुआ और उन्होंने इस महिला की जान लेने का प्रयास किया। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है जहाँ पर SP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी ये गैंग रेप पीड़िता है इसे मारने का प्रयास किया गया और एक गाड़ी से इसे कुचलने का प्रयास किया गया जिसमें महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल हालत इसकी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि जब दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही तब ऐसे में जब महिला इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है तो उस महिला पर दिन दहाड़े इस तरह से हमला कर दिया जाता है तो पुलिस आखिर कहां सो रही थी। बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि महिला ने आरोप जो है जींद पुलिस के DSP जो है उन पर लगाए हैं कि वो आरोपियों से मिली भगत करके खुद उल्टा महिला पर दबाव बना रहे हैं, महिला को फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई दिनों से ये मामला जो है वो हरियाणा में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पहले दिन महिला की तस्वीरें सामने आई थी जब महिला रो रोकर पुलिस थाने में गुहार लगा रही थी कि उसे इंसाफ चाहिए, DSP जो है वो इसके साथ मारपीट कर रहे हैं, पुलिसकर्मी इसके साथ मारपीट कर रहे हैं, आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जब वहां पर भी इसे इंसाफ नहीं मिला तो महिला ने SP ऑफिस के बाहर धरना दे दिया और धरने पर भी इस महिला को जान से मारने का प्रयास जो है वो किया गया है और महिला गंभीर रूप से फिलहाल घायल हो गई है। क्या कुछ हुआ है आज वो भी आपको दिखाते हैं। कम से कम इसको हॉस्पिटल ले जाओ सुनो हॉस्पिटल ले जाओ यही गुंडागर्दी है पुलिस की यहाँ पे अब इस दुर्घटना को हटाके केवल इसके साथ दुर्घटना की पाली है। ये खबर यहाँ दिखाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब एक महिला इंसाफ के लिए SP कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी और पुलिस की नाक के नीचे किसी महिला पर जानलेवा हमला हो जाता है, उसे किसी वाहन से कुचलने का प्रयास हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि बेटियाँ जो हैं महिलाएँ जो हैं आखिर कितनी सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो ढीली कार्यशैली है, पुलिस का ये जो रवैया है, इसने विपक्ष को भी अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन जाएगा, मुद्दा दे दिया है कि वो सरकार को सवालों के कटघरे में कर खड़ा कर सके। फिलहाल जींद से ये बड़ी खबर आ रही थी कि किस तरह से एक महिला जो है गैंगरेप पीड़िता जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रही है और उन्होंने जब कहीं पर भी इंसाफ मिलता हुआ उसे नजर नहीं आया तो वो धरने पर बैठ गई, लेकिन आरोपी जो है वो इस कदर हावी हो चुके हैं कि उन्होंने सरेआम महिला की जान लेने का प्रयास किया है। अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।